Heart of Darkness originally appeared serially in the Blackwood magazine in 1899. तो Blackwood magazine के अंदर ये start होता है novel serially, जैसे कि Victorian age में ये एक tradition था कि novel serially publish होते थे magazine के अंदर. तो ये भी एक magazine में publish होता है और 1899 में है, बिल्कुल turn of the century पर. और इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा novel था जो नई सदी के साथ एक नई चीजें लेके आता है. इट वॉज इवेंचुअली पब्लिश्ड एज ए होल इन 1902 एज द थर्ड वर्क इन अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट टाइटल्ड यूथ. सिंस इट्स पब्लिकेशन इन यूथ द नॉवल हैज फैसिनेटेड न्यूमरस रीडर्स एंड द क्रिटिक्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ होम रिकॉर्डेड द नॉवल एज एन इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज ऑफ द वेज इट यूजेज एम्बिग्विटी एंड इन कॉन्वेट्स ओन वर्ड्स फॉगिशनेस. एक बात के लिए जो सबसे ज़्यादा इसने फैसिनेट किया है सारे लोगों को, इंस्पायर किया है, जिसकी खास बात थी वो थी इसकी एम्बिग्विटी, इसकी जिसे हम कह रहे हैं कि कॉन्वेट के वर्ड्स में फॉगिशनेस. टू ड्रामाटाइज मार्लोज परसेप्शन ऑफ द हॉरर्स ही एनकाउंटर्स. तो जो इसका मेन करेक्टर है मार्लो उसका नाम है, और वो एक जगह का विजिट करता है जिसका नाम है कॉन्गो. तो यूरोपियन मार्लो एक कॉन्गो एक प्लेस का विजिट करता है और वहाँ पे जो वो एक्सपीरियंस करता है हॉरर को, ये इसका मेन थीम है, मेन इवेंट है, मेन क्रक्स है. अब बाकी तो हम इस नॉवल में जानेंगे वो क्या हॉरर्स हैं और वो हॉरर्स कौन कमिट कर रहा है, ऐसे क्राइम्स क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखता है, क्या इनह्यूमैनिटी इसने देखी वहाँ पे. क्रिटिक्स हैव रिगार्डेड हार्ट ऑफ डार्कनेस, जैसे कि नाम से आपको पता है हार्ट मीन्स सेंटर को कहते हैं, सेंटर ऑफ डार्कनेस. सो ही विजिटेड द सेंटर ऑफ द डार्कनेस एज अ वर्क दैट इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज ब्रोक मैनी नैरेटिव कन्वेंशंस एंड ब्रॉट द इंग्लिश नॉवल इनटू द 20th सेंचुरी. और इसने नैरेटिव जो टेक्निक है वो भी आगे हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि कैसे फ्रेम स्टोरी और स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उठाया है, जो कि ईस्टर्न स्टोरीज में अरेबियन नाइट्स में वो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका था. अरेबियन नाइट्स के अंदर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसने उठाया और एक फ्रेम स्टोरी और फिर एक स्टोरी रखी, यानी स्टोरी के अंदर स्टोरी. नोटेबल एक्सेप्शंस हु डिड नॉट रिसीव द नॉवल वेल वर द ब्रिटिश नॉवलिस्ट ई एम फोस्टर. यहाँ जो याद रखने वाली बात है कि वो ये है कि इस नावल को जिन्होंने पसंद नहीं किया, हार्ट ऑफ डार्कनेस को जिन्होंने जिसे जर्नलिस्टिक टर्म में कहते हैं ना आड़े हाथों लिया और बहुत सख्त क्रिटिसिज्म किया, इसे ना पसंद किया, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं ई एम फॉस्टर, जिन्होंने आपको बताया है कि लिखा है पैसेज टू इंडिया, काफ़ी उनका फेमस वर्क है. एन आस्पेक्ट ऑफ द नॉवल भी लिखा, क्योंकि ई एम फॉस्टर नॉवल के ऊपर भी लिखा है कि एक क्रिटिसिज्म लिखा है कि नॉवल कैसा होना चाहिए. हु disparaged the very ambiguity, which ambiguity is a foggishness है जिसको कुछ क्रिटिक्स बड़ा लाइक कर रहे थे, किस तरह के हॉरर को ड्रामाटाइज किया और किस तरह एक एम्बिग्विटी क्रिएट की है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेंटर ऑफ अफ्रीका एंड एज वेल एज द सेंटर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, दैट अदर क्रिटिक्स फाउंड सो इंटरेस्टिंग. एंड द अफ्रीकन नॉवलिस्ट चिनवा अचेबे एक और नाम है. ई एम फॉस्टर पहचाने जाते हैं अपने पैसेज टू इंडिया की वजह से, और उन्होंने भी इसे इस बात पे तनकीद की है कि ये नावल में एम्बिग्विटी बहुत है और जिस तरह से उन्होंने लिखा है ये उन्हें पसंद नहीं आई इनकी टेक्निक जो है, और टेक्निकल एतबार से ई एम फॉस्टर ने क्रिटिसाइज किया. लेकिन इसके थीमेटिक एतबार से कुछ और एतबार से भी क्रिटिसिज्म इस पर हुआ, उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम है अफ्रीकन नावलिस्ट चिनवा अचेबे है, जिनको नहीं पढ़ा तो आप यकीनन पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर. हु डिराइडेड द नॉवल एंड कॉन्ड्रेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन रेसिज्म. और यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगता है कॉन्ड्रेड के ऊपर वो है चिनवा अचेबे की तरफ से कि ये रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है यूरोपियन रेसिज्म का, कि यूरोप जो है ना खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, वाइट मैन जो है वो खुद को समझता है कि वो जीनियस है और वो ये उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि वो बहुत ज़हीन है, अकलमंद है,
और दुनिया बाकी जो है वो उसमें कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई उन्हें सोच नहीं है, उनका कोई रहना सहना नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक अपनी रेस जो है वाइट रेस है ना, उसकी सुपीरियोरिटी पे बिलीव करता है। इसको ये वाला एतराज किया गया इसी नावल के ऊपर, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। कौन कह रहे हैं? चिन्मय एचेबे कह रहे हैं। और उन्होंने फिर यहाँ जो याद रखने वाली बात है, उन्होंने फिर इसका एक जवाब भी लिखा था, इस नावल का एक जवाब भी लिखा गया है। बिल्कुल, उस नावल का क्या नाम है? थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट यहाँ मैं टाइप भी कर देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नावल, थिंग्स फॉल अपार्ट, और बहुत मजे का भी है। तो आप इसे कह सकते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है, इट इज एन आंसर टू द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है, इसको जवाब दिया है थिंग्स फॉल अपार्ट में चिन्मय अचेबे ने। उन्होंने फिर एक और, क्योंकि स्कॉलर जो आंसर होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, सिर्फ बातों से हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या किसी को जवाब देना हो तो आर्टिस्टिक वे ऑफ आंसर देना क्या है, इंटेलेक्चुअल वे क्या है, कि आप बुक के जवाब में बुक लेके आते हैं। तो चिन्मय अचेबे ने एक स्कॉलरली रिप्लाई किया, और हार्ट ऑफ डार्कनेस के में अंदर जो जो अफ्रीकन की ट्रीटमेंट है वो आगे आप इसको नोट करेंगे, अगर आप नोट करना चाहें तो जरूर करेंगे, बल्कि हम इस पे कंपैरिजन में काम भी करेंगे। कोई असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप थिंग्स फॉल अपार्ट को भी साथ समझ सके कि किस तरह से वो एक रिप्लाई है। हम इसको ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। कॉन्रेड वॉयज टू द कॉन्गो इन 1890 व्हेन ही सेल्ड अ स्टीम बोट अप टू द कॉन्गो रिवर जस्ट एज मार्लो डज इन द नॉवल। और कॉन्रेड जो है वो कॉन्गो का बजाते खुद विजिट करते हैं। हमने उसके बायोग्राफी में देखा था कि उसको किस तरह से डिफरेंट वॉयजेस का, डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का, एक एडवेंचर पे जाने का शौक था, बचपन से उसे डिजायर थी। और वो अक्सर मैप देखा करता था कि मैं ये अफ्रीका भी देखूंगा। तो उसने अपनी ये डिजायर पूरी की कॉन्गो ने में जाकर, कॉन्रेड ने कॉन्गो का जब विजिट किया 1819 के अंदर, और फिर वहाँ पे उन्होंने कॉन्गो डायरी लिखी, उनकी अपनी ये अलग नोट्स भी पब्लिश हो चुके हैं, कॉन्गो डायरी के नाम से, यहाँ अगर मैंशन नहीं है तो कॉन्गो डायरी। ये कुछ नॉवेल्स में जो खासतौर पे मेरे पास कॉपी है, ये मेंशन है कॉन्गो डायरी जो है ना, वो साथ दी गई है, जो मेरे पास कॉपी है हार्ट ऑफ डार्कनेस की, उसमें अपेंडिक्स के अंदर ये कॉन्गो डायरी भी दी गई है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर सारा नॉवल लिखा गया। तो ये नॉवल जो है हम कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो लेके आया है नॉवल के अंदर आथर। ये इमेजिनेटिव नहीं है, बिल्कुल उसके प्योर पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि अक्सर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ऐसे नॉवल लिखा करता था, जहाँ भी जाता, जो भी वो एक्सपीरियंस करता था, फिर उसके ऊपर वो नॉवल तख्लीक करता था। एज कॉन्रेड राइट्स ऑफ द नॉवल इन हिज 1917 इंट्रोडक्शन हार्ट ऑफ द डार्कनेस, खुद जैसे वो लिखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, इज एक्सपीरियंस, कुछ वर्ड मिस है डेफिनेटली, इज एक्सपीरियंस पुश्ड अ लिटिल एंड ओनली वेरी लिटिल बियॉन्ड द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द केस। जहाँ पे कह रहे हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है मेरा नॉवल है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद ही थोड़ा सा आगे हो, ठीक है, बिल्कुल मेरे जो फैक्ट्स हैं उनके उनके बेस के ऊपर लिखा गया। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड एक प्रूफ है अबाउट द वेस्टर्न थिंकिंग, अबाउट दैट पीरियड, अबाउट कॉलोनियलिज्म, अबाउट इंपीरियलिज्म। इन चीज़ों को भी हमने अभी समझना है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मार्लो, कॉन्रेड हैड ऑलवेज लॉन्ग टू फॉलो द सी। इनमें ऑटोबायोग्राफिकल जो सिमिलैरिटीज अगर हम देखें, बाद में इस पर अलग से असाइनमेंट भी करेंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट अगर इसको देखें तो मार्लो की तरह कॉन्रेड और मार्लो, मार्लो जो कि करेक्टर है कॉन्रेड का, और कॉन्रेड हिमसेल्फ जो ऑथर हैं, उन दोनों ने दे बोथ लॉन्ग टू फॉलो द सी, ठीक है। द वाइफ ऑफ द डिस्टेंट रियलेटिव लाइक मार्लोज आंट, बिल्कुल एक सेकेंड इवेंट, कि बिल्कुल जिस तरह मार्लो की आंट ने हेल्प की थी, इस तरह कॉन्रेड को कॉन्गो में जाने के लिए उनकी भी किसी रिलेटिव ने हेल्प की थी। हेल्प हिम इन सिक्योर ए जॉब विद ट्रेडिंग कंपनी। द कैप्टन हु प्रीसीडेड हिम हैड बीन किल्ड बाय द नेटिव्स इन द क्वारल। और एक और वाक्य में आगे जाके आप देखेंगे कि जो इससे पहले कैप्टन वहां पे गया था, जिसको ये रिप्लेस करने जा रहा था, वो उसको नेटिव्स ने मार डाला था। कोई लड़ाई हो गई थी उसमें, और वो भी बड़ी मामूली सी लड़ाई थी जिसके ऊपर उनकी जान चली गई,
उनका नाम था फ्रेसलेवन। सो फ्रेसलेवन जो है उनकी उनके साथ जो वाक्या मेंशन होता है वो एक्चुअल लाइफ में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ था। एंड द कॉन्रेड एनकाउंटर्ड सेवरल मैन हु शोड बारबेरिक टेंडेंसीज सिमिलर टू दिस वन एग्जिबिटेड बाय द कर्ट्स। और जो कर्ट्स एक इमेजिनेटिव करेक्टर है डेफिनेटली इसके अंदर, ऐसे ही लेकिन उन्हें एक्सपीरियंसेस जो है वो हुए थे। वट मेक्स हार्ट ऑफ द डार्कनेस मोर देन एन इंटरेस्टिंग ट्रेवलॉग, लेकिन ये डेफिनेटली एक मेयर ट्रेवलॉग नहीं है। और ट्रेवलॉग से यहाँ पे याद है कि मैं आजकल एक ट्रेवलॉग भी पढ़ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग मस्तनसर हुसैन तारड़ की, मैंने लेटेस्ट बुक लिख ली है, आप भी अगर पढ़ना चाहें इसको तो, वेद नाम तेरे नाम। द नेम ऑफ द बुक इज वेद नाम तेरे नाम, मस्तनसर हुसैन तारड़। इट इज़ ए ट्रेवलॉग। ये मेरे फेवरेट ऑथर हैं, उर्दू में मेरे फेवरेट ऑथर हैं मस्तनसर हुसैन तारड़। इनकी काफ़ी सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं और अभी लेटेस्ट ही मैंने बाय की थी। लेकिन ये तो एक ट्रेवलॉग है ना, इसमें तो इसका फर्स्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इमेजिनेटिव चीज़ नहीं लिख रहा, वो दावा नहीं कर रहा कि ये फिक्शन है। लेकिन हार्ट ऑफ डार्कनेस इज नॉट ए ट्रेवलॉग, ऑल्दो बेस्ड ऑन द ट्रेवलॉग एक्सपीरियंसेस। एंड द शॉकिंग अकाउंट ऑफ द हॉरर इज द वे दैट इट डिटेल्स इज सटल वे मार्लोज ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फार ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ पे उस टाइम में जो कुछ भी इस दूर दराज दुनिया में, यानी बहुत अलग थलग, यूरोप से बहुत दूर दूर दराज थी वो, तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा था इस रीजन ऑफ द वर्ल्ड में, उन्होंने इस उन एक्सपीरियंसेस को इस बुक की फॉर्म दिया है में ढाला है, एक आर्ट फॉर्म में ढाला है। लाइक मैनी यूरोपियंस इंक्लूडिंग हिज क्रिएटर मार्लो लॉन्ग्ड फॉर एडवेंचर एंड डिवोर्ड अकाउंट सच एज दोज ऑफर्ड बाय स्टैनली। और यहाँ पे भी हमें सिमिलैरिटी नजर आती है मार्लो और कॉनरेड में, कि जिस तरह मार्लो जो है वो दूसरे दूसरों से सुनता है और फिर उसके अंदर एक डिजायर पैदा होती है और एडवेंचर पे जाना चाहता है, बिल्कुल कॉनरेड ने भी यही एक्सपीरियंसेस किए थे। और वो भी उनको एक ट्रेवलर से उनकी मुलाकात हुई थी, स्टेनली उनका नाम था, और उन्होंने जो कुछ बताया था उसको मार्लो ने काफी उससे इन्फ्लुएंस हुए थे कॉन्वर्ट जो है। बट वंस ही अराइव्स इन द कॉन्गो एंड सीज द टेरिबल वर्क एज ही आयरोनिकली कॉल्स इट टेकिंग प्लेस, ही कैन नो लॉन्गर हाइड अंडर द कवर ऑफ हिज कंफर्टेबल सिविलाइजेशन। लेकिन आते तो बहुत से लोग हैं, यूरोप से आते थे, देखते थे चीज़ें, और यूरोप से इंडिया में भी लोग आते रहे। लेकिन पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर ने लिखा, इसी तरह जो हम देखते हैं कि विजिट तो कॉन्गो को और लोगों ने भी किया होगा, लेकिन जो एक आर्टिस्ट बंदे के पास जो नज़र होती है, जो देखना होता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको अलग करती है, डीप ऑब्जर्वेशन जो है। तो इन्होंने जो वहाँ पे ऑब्जर्व किया, और ख़ास तौर पे जो जिन्हें आयरॉनिकली ये कहते हैं कि टेरिबल वर्क वॉज गोइंग ऑन, और जहाँ पे जो कुछ जो एट्रोसिटीज हो रही थी, जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी, जो यूरोपियन जो है वो कर रहे थे अफ्रीका के साथ अंडर द कवर ऑफ हिज कंफर्टेबल सिविलाइजेशन, तो इन्होंने उस बात को अपनी बुक में लेके आए। और यूरोप में बुक ये पब्लिश होती है ऑब्वियसली लंदन के अंदर, तो लोगों को बताया कि वहाँ क्या हो रहा है सिविलाइजेशन के नाम पे, व्हाट आर दे डूइंग। इंस्टेड ऑल द हॉरर्स पर पेट्रेटेड बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड द एजेंट्स टिपिफाइड बाय द कर्ट्स। और अगर हम देखें कि तो जो कुछ भी हॉरर कमिट हो रहे थे, जो एट्रोसिटीज कमिट हो रही थी, उनमें सबसे ज्यादा जो सिम्बोलिक करेक्टर हमें हमारे सामने नजर आते हैं, जो सारी खराबियों को उन्होंने इकट्ठा करके एक किरदार बना दिया, वह मिस्टर कर्ट्स। तो मिस्टर कर्ट्स को हम देखेंगे, द फोर्स हिम टू लुक इन टू हिज ओन सोल एंड फाइंड वट डार्कनेस लाइज देयर। ना सिर्फ ये जो प्रिटेंस ऑफ सिविलाइजेशन है वो उस कवर को डिस्कवर करता है हमारा जो मेन करेक्टर है, बल्कि ये खुद की एक इंसानों की एज ए कलेक्टिव नेचर को भी डिस्कवर करता है कि व्हाट लाइज इन द वेरी सेंटर ऑफ द हार्ट। और वहां क्या है, अंधेरा है, अंधेरा है उसके अंदर। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवल मार्लो स्टेट्स द एसेंशियल्स ऑफ दिस अफेयर ले डीप अंडर द सरफेस बियॉन्ड माई रीच, बट द एंड ऑफ द जर्नी ही विल हैव पीक्ड बीनीथ द सरफेस एंड डिस्कवर्ड द इनह्यूमैनिटी ऑफ विच इवन मैन सच एज द वन वंस अपस्टैंडिंग कर्ट्स आर कैपेबल। तो डिस्कवर वो क्या करता है, इनह्यूमैनिटी
जैसे ही आप पर कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं होती, जैसे ही आप पर कोई पाबंदियां नहीं होती जैसे किसी इंसान के ऊपर, तो फिर वो किस किस्म का बिहेवियर करता है, इस बात को डिस्कवर किया है। बिल्कुल ये विलियम गोल्डिंग के यहाँ पे उसके साथ हमारा थीम काफ़ी मिक्स हो जाएगा, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के साथ, जो हमारा नेक्स्ट नावल होगा आई होप सो, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। विलियम गोल्डिंग में भी यही चीज़ यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे ये नावल सिमिलर है। द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड जीनोसाइड इन द मॉडर्न मेमोरी। ये अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे इवेंट होते हैं, वेस्ट के जो डेवलपमेंट है, जो साइंस है वहाँ पे, और जैसे ही उन्होंने ह्यूमनिज्म डेवलप किया, साइंस डेवलप की, उन्होंने रिलीजन के जो फॉल्स शैकल्स थे उनको तोड़ा, ये सारी चीज़ों से उन्होंने तरक्की तो बहुत की वेस्टर्न यूरोप के ने, और साइंस आई और साइंस से उन्होंने बेशुमार टेक्नोलॉजी डेवलप की, लेकिन इस सारी जहन को ओपन करने से, इतनी ज़्यादा तरक्की करने से, इतना कुछ हासिल करने से, जो नॉलेज से उन्हें पावर मिली, और इस फिर पावर का उन्होंने जो नेगेटिव यूज़ किया है, ये नावल हमें उस हॉरर की तरफ लेके जाता है जब इंसान के पास पावर आ जाती है, ताकत और इल्म आ जाता है, और उससे बेपनाह उसके पास ताकत आ जाती है, तो फिर वो किस किस्म के काम करता है। जीनोसाइड जो इन्होंने कमिट किया है, नस्ल कुशी कहते हैं जिसे, जीनोसाइड कहते हैं जब आप किसी दूसरे को उसकी नस्ल की बुनियाद पर से नफरत करते हो और उनको मिटा देना चाहते हो। इसमें बड़ी बदनामी जमाना एक टर्म इसके अंदर यूज हुई है, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, ये फ्रेज हम आगे देखेंगे व्हाट इट मीन्स बाय एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, जो कर्ट्स कहता है टाइम पे आके। और ये जो इंपीरियलिज्म है ये हमें समझना होगा। किंग लियोपोल्ड सेकंड ऑफ द बेल्जियम, तो जो कि ये नॉवल हिस्टोरिकल नॉवल है और एक ट्रेवलॉग भी है, हिस्ट्री भी यहाँ पे है, और कोलोनियल हिस्ट्री, इंपीरियलिज्म, तो हमें इसमें हमें बेल्जियम को समझना होगा क्योंकि कॉन्गो के ऊपर रूल था बेल्जियम का, बेल्जियम जो कंट्री है यूरोप की, और बेल्जियम जो किंग थे, किंग लियोपोल्ड टू, who ruled 1865 to 1909, possessed an insatiable greed for money, land and power. और लियोपोल्ड में सारे यूरोपियन रूलर की तरह, जैसे फ्रांस अपनी एम्पायर बना रहा था, हॉलैंड जो है अपनी एम्पायर बना चुका था या बना रहा था, और साथ जो है हम देखते हैं स्पेन अपनी एम्पायर बना रहा था, इंग्लिश के लोग वो इंडिया के अंदर वो हमने फेस की है ये सारी एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर जो है, तो इसी तरह जो बेल्जियम था वो भी पीछे नहीं रह रहा था, वेस्टर्न यूरोप में सारे मुल्क जो कि तरक्की कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी साइंस नॉलेज और पावर को यूज करते हुए अफ्रीका में जो कॉन्गो है इस पर कब्जा करता है। और ये इस बात का सबूत है कि ग्रीड है मनी की, लैंड और पावर की, किंग लियोपोल्ड टू के अंदर। लाइक मेनी अदर यूरोपियंस ही वाज इंट्रीग्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ द अफ्रीका मेड बाय द फेम्ड एक्सप्लोरर हेनरी मॉर्टन स्टैनली। यहाँ पे हेनरी मॉर्टन स्टैनली जो अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन हुए हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी जो बुक्स हैं दो, हाउ आई फाउंड लिविंगस्टोन एडवेंचर्स एंड डिस्कवरीज इन द सेंट्रल अफ्रीका, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1872, एंड थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट। ये बड़ा अहम अहम बुक है ये दोनों, ये आप देख सकते हैं, द डार्क कॉन्टिनेंट, हार्ट ऑफ डार्कनेस का नाम भी कुछ कुछ यहीं से ड्राइव हुआ है। 1878 ये ट्रेवलॉग इन्होंने लिखे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे मोहसिन सर ट्रेवलॉग लिखता है, जैसे मैं अभी आजकल पढ़ रहा हूँ वे नाम तेरे नाम, तो ये उन्होंने उस कंट्री के बारे में लिखा, अफ्रीका के बारे में बताया कि वहाँ पे वो रिसोर्सेज क्या हैं, वहाँ क्या चीज़ें हैं, और वहाँ किसी भी यूरोपियन पावर का रूल नहीं है, तो इन चीज़ों से इंट्रीग हुए। अब मार लो तो या करेक्टर एज ए करेक्टर इंट्रीग होता है, और जो कॉनरेड है वो तो इंट्रीग होता है कि विजिट किया जाए ऐसी प्लेस का, वहाँ जो अजीबो गरीब दुनिया है, जो उनके लिए अजीबो गरीब थी क्योंकि वो जानते नहीं थे इनको, तो लेकिन स्टैनली की इन एडवेंचरस बुक से लियोपोल्ड को क्या तहरीक मिली थी कि यकीनन मेरे पास अच्छा चांस है कि मैं कब्जा कर लूं उस कंट्री के ऊपर, और उसने ऐसा ही किया। थ्रू ए सीरीज ऑफ द मैशिनेशंस एंड ए डिल्यूज ऑफ द प्रोपोगंडा प्रोक्लेमिंग हिज म्यूनिफिसेंस, लियोपोल्ड इवेंचुअली सिक्योर्ड द कॉन्गो रीजन ऑफ अफ्रीका एज ए बेल्जियन कॉलोनी। और फिर इस मौके का फायदा उठाया इन बुक से, उसे पता चला कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और पूरी दुनिया चूंकि सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अपनी अपनी एम्पायर बना रहे थे, तो उसने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो कोई एरिया हो जहां मैं भी कब्जा करूं, मैं भी उसको लूटूं, और मेरा भी हमारे भी एक इंपीरियलिज्म होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। तो ये उसे पता चला, ज्यादा मालूमात किसने दी, हेनरी मॉर्टन स्टैनली ने, विलिंगली तो नहीं दी थी उसने, तो अब ट्रेवलॉग लिखे थे, लेकिन इसका इस मालूमात को सही तौर पर इस्तेमाल किया, और फिर अपने यहाँ क्या एक डिल्यूज ऑफ प्रोपेगेंडा फैलाया कि मैं जो है वो एक
ल्यूपोल्ड कॉन्गो में जो है, कॉन्गो के जो बारबरस नेशंस हैं, जो वहाँ सेवेजरी है, मैं उसको ख़त्म करूंगा, वहाँ एनलाइटनमेंट लेके आऊंगा, वहाँ नॉलेज पहुंचाऊंगा, वहाँ साइंस और डिस्कवरी होगी, वहाँ रेलवे ले जाऊंगा, वहाँ सिस्टम एक दूंगा, क्योंकि उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं है। और बेल्जियन कॉलोनी बना दिया कोंगो को। ऑन May 20, 1885 लियोपोल्ड नेम्ड दिस न्यू नेशन द एटेट इंडिपेंडेंट द कोंगो। डेफिनेटली ये बेल्जियन वर्ड हो गए, उसका ट्रांसलेशन है द कोंगो फ्री स्टेट। उन्होंने इसको नाम दिया द कोंगो फ्री स्टेट। और ये भी आयरोनिकल है कि कोंगो तो बिल्कुल फ्री नहीं था, ये तो हमसे भी बाद में आजाद हुआ है। कब? द ह्यूज एरिया ऑफ द अफ्रीका रिमेन अंडर बेल्जियम कंट्रोल अंटिल 1960। 1960 तक ये बेल्जियन के कंट्रोल में रहा। 1960 में जाके बिलाखिर कॉन्गो को आजादी मिली है। अगर आपने इंपीरियलिज्म और कल्चरलिज्म और इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, तो एक बहुत अच्छी बुक आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, शायद आपने पढ़ी भी हो, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। अगर आप ये ऐसे देखें, छोटा सा ऐसे है, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म बाय एडवर्ड सईद कैन बी कंसल्टेड फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ इंपीरियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। कि किस तरह बाय नेम ऑफ द कल्चर दे एक्सप्लॉयट दे एस्टैब्लिश द इंपीरियलिज्म फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर नेशंस एज फार एज पावर इज कंसर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज के अतबार से तो डेफिनेटली रिच नेशंस हैं, पावर के अतबार से पुअर नेशंस हैं, तो उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। द कॉन्गो वॉज द परफेक्ट कॉलोनी फॉर द लियोपोल्ड टू फॉर सेवरल रीजन। अब हम देखते हैं कि कॉन्गो कैसे परफेक्ट कॉलोनी बन गया लियोपोल्ड टू के लिए, जो उसकी डिजायर थी, जो उसकी ग्रीड थी, मनी के लिए, पावर के लिए, लैंड के लिए जो ग्रीड थी, उसको कैसे इसने फुलफिल किया, या किस एतबार से उसके लिए परफेक्ट कॉलोनी था। फर्स्ट, आइवरी एंड द रबर वर प्लेंटीफुल। सबसे पहली बात है कि कोंगो फुल था कि दो चीजों से, आइवरी, आइवरी जो हाथी दांत को कहते हैं, आइवरी इससे डेकोरेटेड चीजें बनती थी, डेकोरेशंस बनती थी, और बहुत कीमती होती थी, और बहुत यूरोप में जो एलीट क्लास है वो अपने घरों में आइवरी के जो प्रोडक्ट हैं वो रखा करती थी फखर के साथ, और ये नहीं सोचते थे कि ये एक हाथी की जान जाने के बाद ये चीज बनती है, और उससे छोड़े काफी इंसानों की भी जान जाती है, आइवरी कैसे कलेक्ट होती है, ये तो हार्ट ऑफ डार्कनेस ने उनको बताया। एंड रबर वहां पे काफी ज्यादा था, प्लेंटीफुल एंड कुड बी सिस्टमेटिकली गैदर्ड एंड शिप्ड टू यूरोप। एक तो से फायदा ये था कि आइवरी और रबर जो बहुत ज्यादा था, अनकाउंटेबल था, उसे बड़े अच्छे तरीके से शिप किया जा सकता था यूरोप को। सेकेंडली, द ओनली लॉ देयर वॉज लियोपोल्ड्स। दूसरी बात है, वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूल नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ट्राइब्स, वो छोटे छोटे ट्राइब्स थे और बहुत ही पुरानी दुनिया में रह रहे थे, और उनके पास लियोपोल्ड्स का मुकाबला करने के लिए ना टेक्नोलॉजी थी, ना कोई गवर्नमेंट थी, ना कोई सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ एक ही कानून चलता था, किसका? लियोपोल्ड का। ऑल्दो ही कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू हिज यूरोपियन कंटेम्प्रेरीज एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन। हाल तो यूरोप में वो क्या क्या बताता था कि मैं तो बड़ा इंसानों से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट उसको कहते हैं, फिलो मीन लव, एंथ्रोपिस्ट मतलब इंसानों से मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ, एंड ह्यूमैनिटेरियन, और बहुत ह्यूमनिज्म पे बिलीव करता हूँ, इंसानों की कदर करता हूँ। बट लियोपोल्ड रैन द कॉन्गो विदाउट एवर विजिटिंग इट। कभी कभी भी उसने वहां विजिट नहीं किया, अपनी जो कॉन्गो फ्री स्टेट है, अपनी जो बहुत डियर और नियर और बड़ी जिसकी कदर करता है बातों के अंदर वो, लेकिन उसको कभी विजिट भी नहीं किया। फ्रॉम ए डिस्टेंट विद एन आयरन हैंड उसने उसको चलाया, आयरन हैंड के साथ उसको कंट्रोल किए रखा है। थर्ड, लेबर वॉज प्लेंटीफुल। फिर एक और बात थी जो इन यूरोपियन कंट्रीज को अदर नेशंस में मिल जाती थी, वो है चीप लेबर, बल्कि फ्री लेबर। अभी तो चीप है, लेकिन उस जमाने में तो बिल्कुल ही पैसे नहीं देते थे। एंड मोर इम्पोर्टेंट टू द लेबर, फ्री बिकॉज हिज एजेंट्स रूटीनली फोर्स द कोंगलीज, कोंगलीज हम यहाँ पे कोंगो के रहने वाले मकामी लोगों को कहेंगे, उनका एडजेक्टिव बनेगा कोंगलीज, इन टू स्लेव लेबर। तो ये क्या करते थे, उनको स्लेव लेबर में लेके आते थे बाई मीन्स ऑफ द टॉर्चर एंड इंटिमिडेशन। या तो उनको लालच देते थे, कोई फजूल सी चीजें उनको देते थे, उनको बहका लेते थे, या फिर टॉर्चर करते थे, पावर का यूज करते थे, फोर्स का यूज करते थे। विमेन फॉर एग्जाम्पल वर ऑफन किडनेप्ड एंड हेल्ड अंटिल देयर हस्बैंड्स एंड सन्स गैदर्ड सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ आइवरी एंड रबर। तो आप देख सकते हैं कि खवातीन उनकी किडनैप कर ली जाती थी, और कहा जाता था कि जाओ जी जो है वो लेके आओ इतनी रबर और इतनी आइवरी लेके आओ और अपनी फीमेल को ले जाओ। फोर्थ, देयर वर फ्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वहां पे कोई खर्चा भी नहीं था इतना ज्यादा लियोपोल्ड का आता,
कैसे के हट्स एंड द मेस हॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द एजेंट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेल रोड्स रनिंग थ्रू द कॉन्गो गारंटीड दैट सप्लाईज कुड रीच डिफरेंट स्टेशंस क्विकली. और इन्होंने वहाँ पे जो रेल का निज़ाम दिया कॉन्गो के अंदर बेल्जियम ने, और उसका पर्पज़ ये नहीं था कि मकामी लोगों को ट्रैवल की सहूलियात दी जाएँ जैसे ब्रिटिश ने यहाँ पे जो रेलवे का निज़ाम बनाया था इंडिया के अंदर. इसके परस्पेक्टिव में आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में कर रहे थे. तो उन्होंने रेल का एक निज़ाम दिया था, लेकिन किस लिए? ताकि ये जो चीज़ें हैं इनकी सप्लाई जो है वो फास्ट हो सके, ताकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जल्दी से माल पहुंचाया जा सके, आइवरी और रबर और अदर रिसोर्सेज को लूटा जा सके. जैसे इंडिया से कॉटन की सप्लाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और ये जो कपड़ा बनाने की सनत है मैनचेस्टर की जो मिलें हैं उनमें जो कॉटन यूज होता था वो इंडिया का यूज होता था. इसलिए इंडिया को अंग्रेज कहा करते थे सोने की चिड़िया है ये, क्योंकि आप यहाँ बिजनेस करें आप रातों रात अमीर हो जाएंगे. फाइनली द कॉलोनी वॉज थाउजेंड्स ऑफ द माइल्स अवे फ्रॉम शेल्टर्ड यूरोपियन स्काइज. और दूसरी सबसे अहम बात जो आखिरी है, जो इसको एक और फायदा क्या था लियोपोल्ड को, कि ये तो थाउजेंड माइल अवे थी अपने लोगों से, जहाँ पे कॉन्गो जो मैं जहाँ पे रूल कर रहा था लियोपोल्ड, तो बेल्जियम के लोगों को आसानी से जो है वो उनको गलत खबरें दी जा सकती थी, उन्हें मिसडायरेक्ट किया जा सकता था. पीपल कुड नॉट कंडेम व्हाट दे कुड नॉट सी. और दूसरी बात है कि पीपल कुड नॉट कंडेम, हम जो देखते नहीं हैं उसके बारे में बैड इमोशन तो हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हो सकते, इंसानी फितरत है. और वो जो कि नहीं देख रहे थे ये एट्रोसिटीज, तो वहाँ अपने लोगों को क्या बताया जा रहा था, ये नॉवल में डिटेल से हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ क्या रिपोर्टिंग की जा रही थी और एक्चुअली कॉन्गो के अंदर क्या हो रहा था. लियोपोल्ड्स एजेंट्स देयरफॉर कंप्राइज अ क्योटिक अनफॉरगिविंग एंड हेटफुल फोर्स डिटरमिन्ड ओनली टू मेक द मोस्ट मनी पॉसिबल बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेटिव्स. उनकी कोशिश ये क्या होती थी, मेक मोस्ट मनी पॉसिबल, जितना पैसा आप कमा सकते हैं, एक्सप्लॉइटिंग द नेटिव्स, ऑफन व्हिपिंग देम विद द पीस ऑफ द सन ड्राइड हिप्पोपोटामस हाइड कॉल्ड चिकोटा. चिकोटे या चिकोटा जो है ये एक विप होता था जो हिपोपोटामस की जो स्किन है उसको ड्राई करके बनाया जाता था, और इससे वो विप करते थे मुकामी लोगों को, मारते थे उनको, चेन में रखते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, बिल्कुल स्लेव लाइक उनका बिहेवियर. यानी बाहर से आकर मुकामी लोगों को, जिनकी सरजमीन थी, जिनकी रबर थी, जिनकी आइवरी थी, जिनका जिनकी कंट्री थी, वही गुलाम थे. चॉपिंग ऑफ देयर हैंड्स, सम टाइम दे चॉप देयर हैंड्स एंड हेड्स आर किलिंग देम बाय द डजंस एट द टाइम. और कई दफा तो 10-12 लोगों को मारना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई गिल्ट ही नहीं आता था उनको इसके ऊपर. और इसमें हम अपना मेन करेक्टर देखेंगे मार्लो, जब कर्ट्स तक पहुंचेगा, वो बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन में रहता है, बिल्कुल इनर स्टेशन के अंदर, बहुत कांगो के बिल्कुल हार्ट में है, उसका घर है जो स्टेशन बनाया है उसने. तो जब हम सीन में देखेंगे कि जब मार्लो वहां पहुंचेगा और सबसे पहले जो दूर से देखेगा तो क्या चीज़ उसे नजर आती है, उसको एक नजर आती है कि डिफरेंट पोल्स लगे हुए हैं उसके घर के बाहर, डिफरेंट पोल्स, और उनके ऊपर कुछ सर टंगे हुए हैं नेटिव लोगों के, जो हेड्स हैं काट के उसने अपने पोल्स पे टांग रखे थे. इन हिज रीसेंट स्टडी ऑफ द कॉन्गो किंग लियोपोल्ड्स घोस्ट द हिस्टोरियन एडम हॉक्सचाइल्ड एस्टिमेट्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लियोपोल्ड्स पिलेज ऑफ द कॉन्गो द पॉपुलेशन ड्रॉप्ड बाय द 10 मिलियन पीपल. जो एडम की बुक है हॉक्सचाइल्ड की, जिन्होंने एस्टिमेट किया है उस रूल के बारे में, उस जमाने के बारे में, कि लियोपोल्ड के टाइम में कितने लोगों को किल किया गया होगा, ना हक उनका खून बहाया गया होगा, कितने लोगों को मारा होगा इन यूरोपियन लोगों ने, तो अंदाजा लगाया गया कि 10 मिलियन पीपल, तकरीबन 10 मिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की जान लेगी आइवरी लेने के लिए, रबर लेने के लिए, ताकि यूरोप में वो डेकोरेटेड पीस अपने एलीट क्लास वहां रख के एंजॉय कर सके उस आर्ट को. सो डिजीज, स्टार्वेशन, अ लो बर्थ रेट एंड द आउटराइट मर्डर ऑल कंबाइंड टू टर्न द कॉन्गो इनटू व्हाट, हार्ट ऑफ द डार्कनेस, लेटर पोर्ट्रेट एज नाइटमेयर. हार्ट ऑफ डार्कनेस एक नाइटमेयर है, एक हार्ट ऑफ द डार्कनेस नॉवल में ये सारे इवेंट्स हैं, डिजीजेस, स्टार्वेशन, लो बर्थ रेट, आउटराइट मर्डर्स, एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, सम ऑब्जर्वर्स of the atrocities committed there, such as E. D. Morrell and Sir Roger Casement, became noted anti-Leopold activists and launched semi-successful campaigns to end Leopold's rule.
ये नहीं कि सारे लोगों ने मुखालफत नहीं की होगी उस टाइम पे, खैर इतनी ज़्यादा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो कुछ ऑनरेबल लोग थे ऐसे, जैसे ए डी मॉडल हैं, सर रॉजर किस्मेंट हैं, जिन्होंने विजिट किया कोंगो को और वहाँ पे जो एट्रोसिटीज थी उनको ऑब्जर्व किया, उनको एक्सपीरियंस किया, रादर ऑब्जर्व किया, और नोट करने के बाद लियोपोल्ड के खिलाफ जो है वो कंपेन भी की, अनसक्सेसफुल कंपेन्स, कोई इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अदर ऑब्जर्वर्स ट्रांसफॉर्म्ड व्हाट दे सॉ इनटू द आर्ट एज डिड जोसेफ कॉनरेड, और दूसरे जो ऑब्जर्वर थे जैसे जोसेफ कॉनरेड है, उन्होंने एक लाजवाब एक बुक तख्लीक कर दी जिसे आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड व्हेन ही रोट हार्ड ऑफ डार्कनेस लियोपोल्ड्स कोंगो एंड द पीपल वाइट एंड द ब्लैक हु पॉपुलेटेड इट फाइंड देयर वे इनटू द पेजेस ऑफ द कॉनरेड्स नॉवेल्स, ये हम देखेंगे नॉवल के अंदर। द ओमिनस कंपनी दैट हायर्स मार्लो फॉर एग्जाम्पल इज थिनली वेल्ड डिपिक्शन ऑफ द लियोपोल्ड्स ऑपरेशन इन अफ्रीका, और हम देखते हैं कि जो कंपनी मार्लो को हायर करती है उसके बारे में कैसी राइटिंग की है, किस तरह का उसका एक इमेज हमारे सामने आता है। सो लियोपोल्ड्स एजेंट बिकेम द फेथलेस पिलग्रिम्स, एक और जो आयरोनिकल टर्म्स यूज किए हैं वो है फेथलेस पिलग्रिम्स, जो कि पिलग्रिमेज तो आपको पता है एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए किया जाता है, और लेकिन ये कौन थे, ये फेथलेस पिलग्रिम्स थे, या थे ऐसे पिलग्रिम्स थे जिनका मकसद दौलत कमाना था, जिन जो जो ग्रीडी किस्म के पिलग्रिम्स थे, जो फेथलेस थे, लुकिंग फॉर द रिचेस दैट द मार्लो डिस्क्राइब्स, वन ही रीचेस द कॉन्गो एंड द चेन गैंग मार्लो सीज एट द आउटर स्टेशन इज ग्लिम्स एट स्लेवरी एनफोर्स्ड बाय द लियोपोल्ड एजेंट्स। हम बिल्कुल पहले ही पार्ट में देखेंगे कि मार्लो जब वहां पहुंचता है तो उसे एक पूरी एक लाइन नजर आती है मकामी लोगों की, जिनको चेन्स पहनाई गई हैं और वो लाइन में चल रहे हैं, ब्लैक जो पीपल हैं। कर्ट्स द फर्स्ट क्लास एजेंट हु कमिट्स न्यूमरस एक्ट्स ऑफ द सेवेजरी इंक्लूडिंग द प्लेसिंग ऑफ द रेबल्स हेड्स अपॉन द पोस्ट सराउंडिंग हिज हेड इज एम्बॉडीमेंट ऑफ द कलेक्टिव हॉरर्स दैट कॉनरेड विटनेस्ड फर्स्ट हैंड, ये वाक्य जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। और ये चीज़ जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सैवेज है, जो एट्रोसिटीज हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो एक्चुअल सैवेज हैं वो कौन है, क्या वो अफ्रीकन्स हैं जो लोगों के गले काटते हैं, मारते हैं, उनको लूटते हैं, या ये यूरोपियंस हैं जो बज़ाहिर सिविलाइज हैं, एनलाइटेंड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वो है ह्यूमैनिटी नहीं है, और असल सैवेज तो वो है, और इस बात को एक्सप्लोर किया है जोसेफ कॉनरेड ने। एज मार्लो टेल्स हिज रीडर्स ऑन द बोट द नेली, जब कहानी स्टार्ट होती है तो नेली जो है वो बोट है, स्मॉल बोट है जिसके ऊपर बैठे ये मार्लो अपनी कहानी सुनाता है। बेसिकली इन द ब्लाइंडिंग सनशाइन ऑफ दैट लैंड आई वुड बिकम एक्वेंटेड विद द फ्लैबी प्रिटेंडिंग वीक आई डेविल ऑफ द रेपेशियस एंड द पिटिलेस फॉली, ये वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि वहां मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, डेविल, एक डेविल को एक्सपीरियंस किया। वो डेविल क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज द ग्रीड दैट मोटिवेटेड लियोपोल्ड टू कंटिन्यू द सिस्टमैटिक रेवेजिंग ऑफ द कॉन्गो एंड इट्स पीपल फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो वो डेविल क्या है, वो ग्रीड है जिसने लियोपोल्ड जैसे इंसान को मोटिवेट किया कि वो लूट ले लोगों को। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना।